हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक मूवी लेकर आया हूं जो कि एक फैंटेसी फेयरी टेल मूवी है और इस मूवी का नाम है पेंस लेबरिंथ, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। और इस मूवी के पीछे काफ़ी पावरफुल मैसेज छिपा हुआ है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये मूवी इतनी सफल रही थी कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको 22 मिनट तक प्लेस मिला और 2007 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर में इसको नॉमिनेट किया गया था। मूवी की शुरुआत होती है ओफिलिया से, जो कि किसी अनजान घटना के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। और फिर मूवी रिवर्स होते हुए कोई नरेटर एक अंडरग्राउंड किंगडम की कहानी सुनाने लगता है, जो धरती की दुनिया से बिल्कुल अलग महलों में रहने वाली राजकुमारी की कहानी है, जिसका हमेशा से सपना था कि वो धरती के नीले आसमान और सूरज की रोशनी को महसूस कर सके। फिर एक दिन वो गार्ड्स की नज़रों से बचकर एक मैजिकल पोर्टल के रास्ते धरती पर पहुंच जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि सूरज की तेज रोशनी के कारण वो अंधी हो जाएगी और उसकी आदत चली जाएगी। और अंत में वो इंसान बन गई और धीरे धीरे ठंड और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस तरह उसकी आत्मा कहीं गुम हो गई। और उसके पिता जो कि किंग थे, वो उम्मीद नहीं छोड़ते, उन्हें यकीन होता है कि उनकी बेटी पुनः जन्म लेकर उनके घर वापस लौटेगी, जिसका वो मरते दम तक इंतज़ार करते हैं। और फिर कहानी 1944 में मुड़ जाती है, जहाँ पर अब भी स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा होता है और कुछ छोटे गोरिल्ला ग्रुप जो कि तानाशाही सरकार फ्रांसिस्को फ्रेंको के खिलाफ अब भी लड़ रहे होते हैं। और उसी दौरान कैरमेन अपनी बेटी ओफिलिया के साथ अपने दूसरे पति विडेल के साथ रहने के लिए सफ़र कर रही होती है, जो किसी ओल्ड मिल में तैनात होता है। गोरिल्ला ग्रुप के खिलाफ लड़ने के लिए कैरमेन की कहानी ये है कि उनके पहले पति एक टेलर थे जो कि वॉर में चल बसे, और ओफिलिया उन्हीं की बेटी थी जिसे फेरी टेल की कहानियाँ बहुत पसंद थी। वही अब कैरमेन विडाल के बच्चे से प्रेग्नेंट है, उन्हें मजबूरी में फिर से शादी करनी पड़ी क्योंकि ओफिलिया के फ्यूचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और प्रेगनेंसी के कारण उसकी तबीयत पहले ही खराब थी और ट्रैवलिंग के कारण और भी खराब होने लगी, इसीलिए सफ़र के दौरान वो थोड़ी खुली हवा लेने के लिए कार को घने जंगलों में रुकवाती है। और उसी दौरान कैरमेन की तबीयत में सब बिजी होते हैं और ओफिलिया टहलते हुए थोड़ा दूर निकल जाती है, जहाँ पर उसको एक पत्थर मिलता है जिसके पीछे एक अजीब कार्विन होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे एक स्टैचू भी नज़र आता है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये पत्थर उस स्टैचू का ही हिस्सा है। जैसे ही वो उस पत्थर को स्टैचू पर लगाती है, अचानक से स्टैचू के होल से एक ग्रास रोपर बाहर आने लगता है, जो बिल्कुल उसकी फेरी टेल किताबों की तरह ही दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि वो ग्रास रोपर उसका पीछा करते हुए उसकी डेस्टिनेशन पर आ पहुंचता है, कि मानो वो ओफिलिया को टीज कर रहा हो। और ओफिलिया उस सिटी में उसका पीछा करते हुए किसी मिस्टीरियस गार्डन में आ पहुंचती है, जो कि भूल भुलैया झाड़ियों से घिरा होता है। इससे पहले कि ओफिलिया आगे बढ़ पाती, उसकी मेड मर्सिडीज उसे पुकारती है। और अब हम एक ग्रास रोपर को देखकर समझ जाते हैं कि मानो वो डिसअपॉइंटेड हो। और अब हमें मूवी के मेन करेक्टर के बारे में कुछ पता चलता है, जैसे कि विडाल बहुत ही डिसिप्लिन और समय का पक्का होता है, जो देश की तानाशाही सरकार का ओबीडियंट फॉलोवर होने के नाते उस पर मासूम गोरिल्ला ग्रुप को ख़त्म करने का जुनून सवार होता है। इसीलिए एक समय पर बिना सोचे समझे मासूम फार्मर्स को जासूस समझकर बेरहमी से मार देता है। इगोस्टिक विडाल ने कार्मेन की तबीयत की परवाह न करते हुए उसे जानबूझकर इतनी दूर ट्रैवल करवाया, सिर्फ इसलिए कि उसका मिशन अचीव हो सके और उसके बेटे को एक प्योर स्पेन में सांस लेने का मौका मिल सके। हालांकि ये कन्फर्म नहीं है कि उसे बेटा ही होगा, पर उसके बिहेवियर से साफ समझा जा सकता है कि उसे बेटी किसी भी हालत में नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से एक बेटा ही उसका नाम रोशन कर सकता है। इसीलिए वो ओफिलिया के प्रति भी थोड़ा अटैचमेंट नहीं रखता। उनकी मेड मर्सिडीज गोरिल्ला ग्रुप के लीडर की छोटी बहन होती है, जो सीक्रेटली विडेल की स्ट्रेटजी को गोरिल्ला तक पहुंचा रही होती है, जिसमें विडेल का पर्सनल डॉक्टर एलेक्स भी शामिल होता है, क्योंकि कई लोग सिवाय आर्मी के विडेल के पक्ष में नहीं होते। फिर उसी हाफ मून की रात फिर से वही ग्रास रोपर ओफिलिया के कमरे में आ जाता है, पर इस बार ओफिलिया को समझ में आ जाता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। ओफिलिया उसे अपनी किताब की वो ड्राइंग दिखाती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती है, और अब वो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि ग्रास रोपर सच में किताब की एक फेरी टेल में बदल जाती है। वो उसे फिर से गार्डन में ले जाती है,
जहां भूल भुलैया के आखिर में उसे नीचे की तरफ एक गुफा नजर आती है। इतना कम नहीं था कि उसकी फेरी टेल की कहानियां सच साबित होती हैं, क्योंकि उसकी मुलाकात अर्थलाइक क्रिएचर कॉल्ड फोन से होती है, जो ओफिलिया को बताता है कि वो प्रिंसेस मुआना का पुनर्जन्म है, जिसके पिताजी अंडरग्राउंड किंगडम के राजा थे, जिन्होंने दुनिया भर में इस तरह के पोर्टल ओपन किए थे इस उम्मीद में कि किसी दिन उनकी बेटी लौटेगी। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए फोन उसे बताता है कि उसके लेफ्ट शोल्डर पर एक हाफ मून का मार्क है और पोर्टल पर बनी मूर्ति उसकी यानी कि खुद फोन की और ओफिलिया की मूर्ति है, पर उसे किंगडम में लौटने के लिए फुल मून से पहले 3 परीक्षा पास करनी पड़ेगी, ये प्रूफ करने के लिए कि वो पूरी तरह से मॉर्टल नहीं बनी। वो उसे एक द बुक ऑफ क्रॉस रोड देता है, जो उसे भविष्य और परीक्षा के बारे में बताएगा, जो उसे अकेले में खोलनी है, लेकिन वो उसे तभी खोल देती है जिसकी वजह से उसे बुक में पन्ने ब्लैंक दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, फ़ोन वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगली सुबह ओफिलिया को अपने फेरी टेल अनुभव पर यकीन नहीं होता, इसीलिए अकेले में वो अपना मार्क चेक करती है, जो कि सच साबित होता है। अपने टेस्ट के लिए उस बुक को ओपन करती है और तब उसे उसका पहला टेस्ट मिलता है, जहाँ मिल से दूर एक पेड़ है जो मरने की कगार पर है, क्योंकि एक मॉन्स्टर मेंढक ने उसकी जड़ में अपना घर बना लिया है, जिसके कारण पेड़ कमज़ोर होता जा रहा है। इसीलिए उसे कैसे भी करके मेंढक के मुंह में मैजिकल बीन्स डालनी होगी, ताकि उसे उसके शरीर से गोल्डन की मिल सके, जो उसे अगले टेस्ट में काम आएगी, और तभी वो पेड़ सर्वाइव कर पाएगा। ओफिलिया कीचड़ से होते हुए पेड़ के नीचे की गुफा में एंटर करती है, जहां अंत में उसका सामना रियल मॉन्स्टर मेंढक से होता है, जो कि इस पेड़ के रूट के नीचे के कीड़ों को खाकर जिंदा है। ओफिलिया घबराई है, पर हिम्मत करके चलाकी से उसे कीड़े खिलाने के बहाने उसे मैजिकल बीन्स खिलाने में सफल हो जाती है, जिसके असर से जो मेंढक है उसका इंटेस्टाइन बाहर निकल आता है, जिसमें से उसे एक गोल्डन की मिलती है, जिससे वो अपना पहला टेस्ट पास कर जाती है। वहीं विडैल अपने दुश्मनों के लिए एक प्लान बनाता है और वो गांव के सारे राशन और मेड सप्लाई को अपने पास रख लेता है, ताकि गोरिल्ला ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए साधन न मिले, और वो उस मिल की एक लौती चाबी को भी अपने पास रख लेता है जिसमें राशन रखा होता है। अगली सुबह ओफिलिया फिर से उस बुक को ओपन करती है, पर इस बार उसे किताब पर खून ही खून नजर आता है, और तभी उसकी माँ उसे गंभीर हालत में मिलती है। डॉक्टर के हिसाब से उसे कॉन्स्टेंट रेस्ट की ज़रूरत थी, इसीलिए ओफिलिया को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अपनी माँ की फिक्र में वो अगला टेस्ट ना करने के बारे में सोचती है, पर उसी रात फ़ोन लौट आता है, जो उसकी माँ की तबीयत सुधारने के लिए वो उसे मैड्रिक रूट देता है, जो उसे फ्रेश मिल्क में अपने खून की 2 बूंद मिलाकर उसके बेड के नीचे रखनी होती है, और उसके अगले टेस्ट के लिए वो उसे एक मैजिकल चौक भी देता है और कुछ फेरीज भी देता है, जो उसे सही राह दिखाएंगी, क्योंकि अगला टेस्ट बहुत खतरनाक है और उसे समय रहते लौटना होगा, और कुछ भी करके गलती से वहाँ रख के खाने पीने की चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना होता है, और ये कहकर वो गायब हो जाता है। अब ओफिलिया फिर से बुक ओपन करती है और जैसा कि फ़ोन ने उसको वार्न किया था, उसे किताब पर कुछ शैतानी आकृतियाँ नज़र आती है। किताब के टेस्ट को पूरा करने के लिए उसे मैजिकल चौक से एक दरवाज़ा बनाना होता है, और फिर उसे सैंड क्लॉक यानी कि एक रेत की घड़ी को स्टार्ट करना होता है, और वो ऐसे ही करती है। ऐसा करने के बाद वो खुद को एक शैतानी किले में पाती है, जहाँ से कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं। किले के अंदर एक मॉन्स्टर खाने की टेबल पर बैठा होता है, जिसकी आंखें प्लेट में रखी हुई होती हैं, और दीवार पर एक डरावनी पेंटिंग लगी होती है जिसमें वो मॉन्स्टर बच्चों को खा रहा होता है। ओफिलिया ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फेरिस को बॉक्स से निकालती है, जो उसे 3 दरवाजों में से बीच वाले दरवाजे की तरफ इशारा करती है, जहां उसे गोल्डन की का इस्तेमाल करना होता है, पर बीच वाला दरवाज़ा सही नहीं निकलता, इसीलिए वो अपनी मर्जी से दूसरे दरवाजे में की का इस्तेमाल करती है, और जो सही भी निकलता है। उसे खोलने के बाद उसे एक शाइनिंग चाकू मिलता है। अब उसे यहाँ से वापस जाना है, लेकिन फ़ोन के वार्न करने के बाद भी ओफिलिया डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पाती, और वो वहाँ से एक अंगूर उठाकर खा लेती है। फेरिस भी उसे वार्न करती है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती है, जिसके बाद मॉन्स्टर जाग जाता है। उसके बाद वो प्लेट पर रखी आंखों को उठाकर
अपनी हथेलियों पर लगा लेता है, जिससे कि वो ओफीलिया को देख लेता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। पर फेरिस बीच में आ जाती हैं ओफीलिया को बचाने के लिए और वो उन फेरिस को भी खा जाता है। इससे पहले कि ओफीलिया वहाँ से भाग पाती, टाइम ख़त्म होने की वजह से चौक से बनाया हुआ दरवाज़ा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फिर ओफीलिया को याद आता है कि उसके पास अभी भी जादुई चौक है, इसीलिए वो एंड मौके पे चौक की मदद से फिर से दरवाज़ा ड्रॉ करती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। और अगले दिन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वह मैजिकल रूट्स को अपनी माँ के बेड के नीचे रखती है, जिससे कि उसकी माँ की तबीयत ठीक होने लगती है। और दूसरी तरफ गोरिल्ला ग्रुप के लोग मेल से कुछ दूर ट्रेन ट्रैक को उड़ा देते हैं, जिससे कि विडेल का पूरा ध्यान वहाँ चला जाए, ताकि इस तरफ गोरिल्ला ग्रुप के लोग सप्लाई चेन को लूट सकें। विडेल जब तक वापस लौटता, गोरिल्ला ग्रुप ने सारा सामान चुरा लिया था। विडेल की नज़र स्टोर रूम के ताले पर पड़ती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो ताला चाबी से ही खोला गया है, ना कि तोड़ा गया है। और उसका शक मर्सिडीज पर जाता है, क्योंकि विडेल ने मर्सिडीज से कहा था कि स्टोर रूम की एक ही चाबी है जो कि उसके पास है। इस सब का यही कंक्लूजन निकलता है कि उस चाबी की डुप्लीकेट चाबी भी है जो शायद मर्सिडीज के पास है, और वो गोरिल्ला ग्रुप की मदद चोरी छुपे कर रही है। फिर वो उन गोरिल्ला ग्रुप के लोगों का पीछा करता है, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, और जिनमें से एक गोरिल्ला ग्रुप का लड़का पकड़ा जाता है और विडेल उसको बहुत टॉर्चर करता है ताकि वो अपने लोगों का पता बताए। दूसरी तरफ फोन उसी रात लौट आता है और उसके वार्न करने के बाद भी ओफीलिया ने उसकी बात नहीं सुनी थी और वो उस पर बरस पड़ता है और वो उसे आखिरी का टेस्ट देने से मना कर देता है, जिसका मतलब है कि वो अब मोर्टल बनकर यहीं पर फंस जाएगी। उसके बाद विडेल डॉक्टर को उस लड़के का इलाज करने को कहता है ताकि वो उसे बार बार टॉर्चर कर सके, लेकिन डॉक्टर उस लड़के पर तरस खाकर उस लड़के को जहर का इंजेक्शन दे देता है। लेकिन विडेल को ये बात पता चल जाती है कि डॉक्टर भी उन लोगों से मिला हुआ है। उसके बाद जब डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है तो विडेल उसे गोली मार देता है। वहीं ओफीलिया के रूट क्योर का पता चलने पर विडेल उसे काला जादू समझता है, जिसके बाद कैरमेन रूट को आग में फेंक देती है, जिसके बाद कैरमेन मर जाती है पर उसका बच्चा सरवाइव कर जाता है। अब विडेल को मर्सिडीज पर फिर से शक होता है और वो उस पर नज़र बनाए रखता है। मर्सिडीज को भी विडेल के हाव भाव से पता चल जाता है कि विडेल को उस पर शक हो गया है, इसीलिए वो ओफीलिया को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ओफीलिया उसे अपने साथ चलने के लिए जिद करती है। इससे पहले कि मर्सिडीज वहाँ से भाग पाती, वो पकड़ी जाती है। विडेल ओफीलिया को उसके कमरे में बंद कर देता है और मर्सिडीज को टॉर्चर करने के लिए अपने हथियार निकालता है, लेकिन मर्सिडीज ने भी अपने पास हमेशा से एक चाकू रखा होता है, जिसकी मदद से वो विडेल को घायल करके वहाँ से भाग जाती है। कुछ ऑफिसर उसका पीछा करते हैं पर वो उसके भाई के ट्रैप का शिकार बन जाते हैं। वहीं फोन फिर से लौट आता है और वो ओफीलिया को आखिरी मौका देने का तय करता है। वो ओफीलिया को बिना सवाल किए अपने छोटे भाई को लेबरिंथ लाने के लिए कहता है और वो उसे एक जादुई चौक भी देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। ओफीलिया अब जादुई चौक की मदद से विडेल के रूम में पहुँच जाती है और अपने छोटे भाई को उठाकर गार्डन की तरफ भागती है। दूसरी तरफ मर्सिडीज अपने भाई और उसकी आर्मी के साथ विडेल पर हमला कर देती है। वो ओफीलिया को बचाने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन ओफीलिया अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से पहले ही चली गई थी और विडेल उसका पीछा कर रहा होता है। ओफीलिया भागते भागते गुम हो जाती है और विडेल उस तक पहुँचने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे दीवार के बीच से एक रास्ता खुलता है और ओफीलिया उसके बीच से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। वहीं जब ओफीलिया लेबरिंथ पहुँच जाती है तो फ्योन उसे बताता है कि दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन करने के लिए उसे अपने भाई के खून की कुछ बूंदें उस पोर्टल में डालनी होगी, पर ओफीलिया इसके लिए तैयार नहीं होती। वो अपने भाई को चोट पहुंचाकर खुद को आज़ाद नहीं करना चाहती, फिर चाहे उसे यहीं फंसे रहना पड़े। पर उसी समय विडेल वहां आ जाता है और उसे फ़ोन दिखाई नहीं देता। उसके बाद विडेल ओफीलिया से अपना बेटा लेकर ओफीलिया को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। वहां से बाहर निकलते ही मर्सिडीज और उसके लोग उसे घेर लेते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि अब ये पल उसका आखिरी है। इसीलिए वो मर्सिडीज को अपना बेटा देकर कहता है कि उसके बेटे को बताना कि उसके पिता कैसे मरे। पर उसे मारने से पहले वो उसे कहते हैं कि वो उसके जैसे निर्दयी इंसान के बारे में उसे कुछ नहीं बताएंगे
और फिर वो उसे गोली मार देते हैं। ओफिलिया के आखिरी समय में उसका खून लेबरिंथ के पोर्टल में पड़ जाता है और तभी ओफिलिया अचानक से खुद को एक किंगडम में पाती है, जहाँ पर उसकी माँ एज अ क्वीन और पिता एज अ किंग उसका स्वागत करते हैं, जो कहते हैं कि वो फाइनल टेस्ट में सफल हो गई। क्योंकि रियलिटी में फाइनल टेस्ट यही था कि वो अपनी आज़ादी के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। अब मूवी फिर से वहीं से शुरू होती है जिस सीन से इसकी शुरुआत हुई थी, और मूवी के अंत में ओफिलिया मर्सिडीज़ के सामने अपना दम तोड़ देती है। मूवी के आखिरी में वही नरेटर उसी ब्लॉसमिंग ट्री को दिखाते हुए नरेट करते हैं कि ओफिलिया अपने किंगडम में बिल्कुल ठीक है, जिसने जाने से पहले धरती पर अपनी कुछ छाप छोड़ दी थी जो उन्हीं को दिखाई दे सकती थी जिन्हें पता हो कि कहाँ देखना चाहिए, और फिर मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पावरफुल मैसेज क्या हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। दरअसल ये पूरी मूवी डिसओबेडेंस यानी कि आज्ञा का पालन न करने पर आधारित है, क्योंकि हमेशा रूल्स को फॉलो करना भी सही नहीं होता, और वही रूल ना फॉलो करने पर उसके कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर के बात ना मानने पर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं ओफिलिया का फ़ोन का आदेश ना मानने पर दो फेरिस को और आखिरी के टेस्ट में उसे खुद भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑल्दो वो लास्ट में सही साबित हुई, वहीं दूसरे टेस्ट में वो फेरिस की बात को इग्नोर करते हुए अंगूर खाती है, क्योंकि वो ओफिलिया को बार बार गलत दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं और आखिर टाइम में फ़ोन के रूल ना फॉलो करने की वजह से वो अपने किंगडम वापस लौट पाई। अगर उसने फ़ोन की बात मानकर अपने भाई का खून इस्तेमाल किया होता तो वो टेस्ट में फेल हो जाती, और वहीं गोरिल्ला ग्रुप का भी तानाशाही सरकार के खिलाफ डिसोबेंस के कारण उनकी जीत होती है। वही मूवी में आज भी सबसे बड़ा डिबेट ये है कि ओफिलिया की फैंटेसी इमेजिनेशन है। दरअसल अगर आप गौर करोगे तो उसकी फैंटेसी रियल थी, जिसका पहला क्लू तब मिलता है जब मर्सिडीज़ ओफिलिया के बनाए हुए दरवाजे को देखती है जो ओफिलिया ने ड्रॉ किया था भागने के लिए, वरना वो लॉक रूम से भागकर अपने भाई को लेकर कैसे भागती। दूसरे क्लू में जब वो गार्डन में गुम हो जाती है तो एक मैजिकल रास्ता बनता है, पर वही रास्ता विडेल के लिए बंद हो जाता है। तीसरे क्लू में आप देख सकते हैं जब एक मुरझाए हुए पेड़ पर फूल खिलाते हैं, जहां पर वही ग्रास रोपर भी दिखाई देता है। मूवी में दिखाया फोन का क्रिएचर दरअसल एंशियंट रोमन में दर्शाया हाफ ह्यूमन हाफ गोट लाइक क्रिएचर है, जो उससे और स्टेटस से रिलेटेड है। वहीं द बुक ऑफ क्रॉसरोड उन किताबों को कहा जाता है जो दुनिया के बीच का दरवाजा होता है, और आखिर में मूवी का दूसरा क्रिएचर दरअसल कोई मिथोलॉजिकल क्रिएचर नहीं होता बल्कि एक पेंटिंग से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।